बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के साथ टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका दौरे की शुरुआत कर दी है और सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में पहले दिन के पहले सत्र में ही भारतीय टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मेजबान टीम को बता दिया है कि इस बार अफ्रीका में टीम इंडिया सिर्फ सीरीज खेलने के लिए नहीं गई है बल्कि इसे जीतने के इरादे से ग्राउंड पर उतरी है। तो सेंचुरियन टेस्ट के पहले सत्र में कैसे भारतीय ओपनर्स ने फेरा दक्षिण अफ्रीका के सारे मंसूबों पर पानी, हम इस रिपोर्ट के जरिए देंगे आपको सभी जानकारी। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा शुरू हो गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते दोनों टीमों के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में मुकाबला बिना दर्शकों की मौजूदगी में खेला जा रहा है। हालांकि आज पहले दिन बारिश के आसार जताए जा रहे थे और सेंचुरियन की विकेट पर घास भी काफी छोड़ी गई थी। बावजूद इसके भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का एक बोल्ड मूव लिया जो कि काफी हैरान कर देने वाला डिसीजन लगा। लेकिन जिस तरीके से दोनों सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने पहले सत्र में बल्लेबाजी किया है उसने भारतीय कप्तान के फैसले को सही साबित कर दिखाया है। राहुल और अग्रवाल की ओपनिंग जोड़ी आज सेंचुरियन में काफी अरसे बाद टेस्ट मैचों में एक साथ खेलने उतरी और दोनों ने खेल के पहले सत्र में काफी समझदारी का परिचय दिया। शुरुआत के समय में जब अफ्रीकी गेंदबाजों को विकेट से मदद मिल रही थी तब दोनों ने काफी धैर्य दिखाया और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों की तरफ से बल्ले से आकर्षक शॉट भी देखने को मिला। खासतौर से मयंक अग्रवाल काफी लय में लगे और चौथे ओवर में लुंगी एनगिडी की पहली गेंद पर मयंक के बल्ले से ही भारतीय पारी की पहली बाउंड्री निकली। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने संभल कर खेलने का फैसला किया और नौवे ओवर में जाकर कगिसो राबाडा की गेंद पर शानदार ड्राइव लगाकर राहुल ने अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। पहले सत्र में मयंक अग्रवाल को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वो कुछ अलग करने का ठान कर आए हैं। मयंक ने युवा मार्को यानसेन जो सेंचुरियन में अपना पहला डेब्यू कर रहे हैं उनके पहले ही ओवर में तीन चौके जड़ टेस्ट क्रिकेट में उनका शानदार स्वागत किया और फिर यहां से भारतीय पारी को रफ्तार मिल गई क्योंकि दोनों राहुल और मयंक ने खेल का सबसे मुश्किल पहला घंटा निकाल दिया था और टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत दिलाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। वैसे आपके हिसाब से आप सभी को क्या लगता है, राहुल या अग्रवाल कौन सा बल्लेबाज इस पहली पारी में बड़े रन बनाने जा रहा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।